आज हम इस किताब को शुरू से बिस्मिल्लाह करते हैं। 10-16 वोल्ट पहला सबक है, पहले जी उसकी ग्रामर से देख लेते हैं। आपने खैर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसकी बस आप रीडिंग शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा। बिस्मिल्लाह पढ़ें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मुझे नहीं दिख रहा है सब बीच, जी ये पूरा मतलब स्क्रीन में जो है कुछ बीच में है, मतलब बीच का हिस्सा दिख रहा है बस, राइट साइड नहीं दिख रहा है। ये आप मोबाइल पे तो नहीं यूज़ कर रहे कहीं, मैं मोबाइल पे ही कर रहा हूँ, तो इसको मैं लैपटॉप स्क्रीन क्या पर डाल के सर। लैपटॉप नहीं आपके पास? नहीं है सर मेरे पास लैपटॉप। असल में जो स्काइप है ये लैपटॉप के लिए होता है। या तो अच्छा आपके पास अगर कागजी शक्ल में किताब हो तो वहाँ से देख के पढ़ते रहें फिर, लेकिन मोबाइल पे मैं इसको इसको पढ़ सकते हैं। ढूंढूंगा सर। अभी हम लोग रिसेंटली घर शिफ्ट किए हैं। चलिए ये असल में चले आप फिर गुजारा करें इसी तरह, क्योंकि ये स्काइप के मोबाइल में कोई ना कोई मसले रहते हैं, ये लैपटॉप के लिए होता है। अच्छा सर, इसको थोड़ा मूव कीजिए राइट साइड, मुझे अरबी का नहीं दिख रहा है वर्ड्स फिर राइट ढूंढने। साइड जी 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 अभी दिख रहा है अच्छे तरीके से। थोड़ा उसको वो करें, जूम इन करें ना सर। जी सर शुक्रिया। ठीक हो गया, माँ हाँ पढ़ो सर इसको, पढ़ें बस रीडिंग करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा। और इंग्लिश में भी पढ़ो सर। जी पढ़ें। माँ हाजा व्हाट इज दिस, हाजा किताबन, दिस इज अ बुक, हाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस, नाम हाजा बैतुन, यस दिस इज अ हाउस, ला हाजा मस्जिदुन, नो दिस इज अ मॉस्क, मन हाजा हु इज दिस। और पढ़ो ऊपर करो, सर आगे पढ़ें। जी। हाजा इज प्रोनाउंड हाजा बट इट इज रिटर्न विदाउट द फर्स्ट अलिफ। ये सारा पढ़ना है सर ये सारा पढ़ना है आपने, बस रीडिंग करनी जी जी आता है ठीक आपको। है अगर जी कुछ चीज़ ना ठीक आती है सर हो तो मुझसे पूछ लें, जी नहीं सर। ऐसा। सर इसको सर इफ यू डोंट माइंड सर थोड़ा इसको हटाइए ना सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे ऐसे में हो नहीं सकता, ये अच्छा वाला ना, हाँ ये बस जूम इन जूम आउट हो सकता है। अच्छा थोड़ा यहाँ पे इस इंग्लिश के हाँ ठीक है सर शुक्रिया। अरबिक हैज़ नो वर्ड करस्पॉन्डिंग टू इंग्लिश इज, दैट इज अरबिक हैज़ नो कोपिला। ये क्या है सर कोपिला? जी आपकी आवाज़, एक कोपिला मिनट अजान अरबिक होने हैज़ दें, नो। मैं अजान होने दें, मैं फिर बोलते हैं। अच्छा
जी अब आप सवाल पूछें। इसमें जो सेकंड जो नोट है ना सर, इसके अंदर लास्ट में अरबिक हैज नो कोपियोला करके दिया है। ओके जी उसको जो दो वर्ड्स को आपस में जॉइन करते हैं, जैसे इंग्लिश में होती है वर्ब बी, फिर उसके अलावा होती है इज आर एम, तो इस तरह की कोई चीज अरबिक में मौजूद नहीं है, वो ये कह रहा है। अच्छा अच्छा ठीक हो गया जी सर। आगे जैसे आप फर्ज किया, यहाँ पे देखें मिसाल में देखें व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसमें आपको तीन अल्फाज नजर आ रहे हैं, व्हाट की अरबी होगी माँ, दिस की अरबी होगी हाजा, अब जो लफ्ज इस है इसकी अरबी है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं। ठीक हो गया जी सर। आगे आगे देयर इज नो वर्ड इन अरबिक करेस्पोंडिंग टू ए इन इंग्लिश एज इन दिस इज अ बुक, द एंड साउंड एट द एंड ऑफ अरबिक नाउन किताबुन बैतुन मस्जिदुन इज द अरबिक इनडेफिनेट आर्टिकल करेस्पोंडिंग टू द इंग्लिश ए और एन, दिस इज एन साउंड, दिस एन साउंड इज कॉल्ड तनवीन। तो क्या बोल रहा है सर इसके अंदर, इसके अंदर ए और एन नहीं रहेगा, जो नून जो आ रहा है आखिरी में वही उसका काम करेगा करके बोल रहा है ना। अच्छा अच्छा यहाँ पे वो आपको एक मेन चीज बता रहे हैं कि जो है ना आर्टिकल ए और एन जी, इसका हाँ, कोई लफ्ज अरबी में मौजूद नहीं है, तो हम इसका मतलब शो करने के लिए क्या करेंगे, लफ्ज के साथ तनवीन लगा देंगे, क्या लगाएंगे तनवीन। अब किताब के आखिर में दो दम्मा है, इसका मतलब ट्रांसलेशन करेंगे ए। ठीक हो गया जी, ये आपके पास मेन पॉइंट है इसके अंदर। जी सर ठीक। द पार्टिकल प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट टर्न्स इट इनटू अ क्वेश्चन, एग्जांपल दिस इज अ हाउस, हाजा बैतून दिस इज अ हाउस, हाजा बैतून जी हाजा बैतून इज दिस अ हाउस। सो क्या बोलते हैं सर, हमजा इस्तफामिया, तो ये जब भी किसी जुमले के शुरू में लगाते हैं तो वो जुमला सवाल में तब्दील हो जाता है। हमजा इस्तफामिया बिल्कुल लिख के दिखाऊं या चलना, खैर जरूरत नहीं है आगे जीस। चलें जीस। जी सर ठीक। वलदुन बॉय, बॉय वलदुन, स्टूडेंट तालिबुन, मैन रजुलुन, मर्चेंट ताजिरुन, डॉग फुलबुन तलबुन, कैट चित्तुन, डोंकी हिमारुन, हॉर्स हिसानुन, कैमल जमलुन, रोस्टर तीकुन, टीचर मुदर्रिसुन, करचिफ मिंदीलुन, हाउस बैतुन, मॉस्क मस्जिदुन, डोर बाबुन, बुक किताबुन, पेन खलमुन, की मिफ्ताहुन, राइटिंग टेबल मकतबुन, बेड सरीरुन, चेयर कुर्सीयुन, स्टार नजमुन, शर्ट खमीसुन, डॉक्टर तबीबुन। ठीक हो गया, कोई सवाल वगैरह हो तो अभी पूछ लें आप। नहीं सर, स्टार्टिंग का ग्रामर तो समझ में आया, अब ये तो पूरा वोकैबुलरी है ना सर। ठीक हो गया, चलिए आप बिस्मिल्लाह करें सबक की। जी सर। सर इसको थोड़ा ज़ूम इन करें ना। ठीक जी सर, पढ़ो सर इसको। ये पढ़े पढ़े सारा पढ़े। अद्दरसुल अव्वलु हाजा, हाजा बैतुन, हाजा सर इसको इंग्लिश में बोलूं क्या सर? बस उर्दू ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, अभी आता ही आसान ही है। ठीक है, तो बेशक आप करें, कोई सवाल हो तो फिर बेशक पूछ लें। जी ठीक है सर। हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, हाजा किताबुन, हाजा खलमुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मकतबुन, हाजा सरीरुन, हाजा कुर्सीयुन। ठीक हो गया, हाजा इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक हो गया नेक्स्ट। जी सर। मा हाजा व्हाट इज दिस है ना सर, मा हाजा का मतलब मा हाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस जी। हाजा बैतुन, हाजा बैतुन नाम, हाजा बैतुन सर, हाजा बैतुन का बैत यानी घर है ना सर? यस दिस इज अ हाउस, ये घर है जी सर।
हाजा बैतुन इज दिस अ हाउस नाम हाजा बैतुन, नाम का मतलब एस है ना सर? यस एस दिस इज अ हाउस मा हाजा व्हाट इज दिस हाजा खमीसुन दिस इज अ शर्ट हाजा सरीरुन इज दिस अ चेयर ला शरीर बेड हाजा को कुर्सी जी सर शरीर बेड को कहते हैं, अच्छा क्या सॉरी ये बेड पलंग है? इज दिस अ बेड, अच्छा इज दिस अ बेड ला हाजा कुर्सीयुन नो दिस इज अ चेयर हाजा मिफ्ताहुन मिफ्ता क्या है सर? चाबी, चाबी मिफ्ता अच्छा चाबी। चाबी हाजा इज दिस अ की ला हाजा कलमुन नो दिस इज अ पेन मा हाजा व्हाट इज दिस हाजा नजमुन दिस इज अ स्टार तमरीन वन एक तमरीन मतलब एक्सरसाइज है सर जी तमरीन उल अव्वल, फर्स्ट एक्सरसाइज, पहली मश्क। तमरीन उल अव्वल हाजा मिफ्ता हो अच्छा इसका आंसर हमको लिखना है सर यहाँ पर अभी बिल्कुल आंसर हमने देना है। मा हाजा व्हाट इज दिस हाजा मिफ्ताहुन मा हाजा हाजा किताबुन मा हाजा हाजा खलमुन मा हाजा हाजा बाबुन करेक्ट है सर करेक्ट, मा हाजा हाजा बैतुन मा हाजा हाजा कुर्सीयुन तमरीन दुआ में सर तमरीन सानी, तमरीन सानी हाजा बैतुन इज दिस अ हाउस नाम हाजा मस्जिद ला करेक्ट है हाजा ला मस्जिद, अच्छा नाम यानी यस है बिल्कुल जी ला हाजा मस्जिद हाजा मिफ्ताहुन इज दिस अ की ला हाजा खलमुन हाजा खमीसुन इज दिस अ पेन नाम हाजा खमीसुन एस दिस इज अ जी सर कमीज को कहते हैं, हाँ कमीज को उर्दू में भी कमीज कहते हैं, इंग्लिश में शर्ट कहते हैं। जी इज दिस अ शर्ट नाम हाजा खमीसुन एस दिस इज अ शर्ट हाजा नजमुन इज दिस अ स्टार नाम हाजा नजमुन तमरीन क्या है तमरीन सलास सालिस, सालिस तमरीन सालिस इखरा वक्तुब पढ़ो और लिखो हाजा मकतबुन दिस इज अ टेबल करेक्ट है ना सर ठीक है, डेस्क बेहतर लाजा जाने। अच्छा डेस्क लर हाजा मस्जिदुन दिस इज मॉस्क हाजा खलमुन हाजा सरीरुन सरीरुन बेड है ना सर करेक्ट, मा हाजा व्हाट इज दिस हाजा कुर्सीयुन दिस इज अ चेयर हाजा बैस्तुन इज दिस इज अ हाउस ला हाजा मस्जिदुन नो दिस इज अ मॉस्क मा हाजा व्हाट इज दिस हाजा मिफ्ताहुन दिस इज अ की मन हाजा मन क्या है सर मन मीन हु, कौन, कौन हु इज दिस मन हाजा हु इज दिस हाजा तबीबुन दिस इज अ डॉक्टर मन हाजा हु इज दिस हाजा वलदुन दिस इज अ बॉय मन हाजा हु इज दिस हाजा तालिबुन दिस इज अ स्टूडेंट हाजा वलदुन इज दिस इज अ बॉय इज दिस अ बॉय ला हाजा रजुलुन नो दिस इज अ मैन मा हाजा हु इज दिस व्हाट इज दिस है क्या सर मा हाजा What is this? हु के लिए मन आएगा ना सर बिल्कुल हो के लिए मन। जी मा हाजा व्हाट इज दिस हाजा मस्जिदुन दिस इज अ मॉस्क मन हाजा हु इज दिस हाजा ताजरुन दिस इज अ बिजनेसमैन करेक्ट है सर मर्चेंट, ताजिर, मर्चेंट ताजर बिजनेसमैन ठीक ही है ना सर बिजनेसमैन के लिए कॉलर्स होता है, अब वो इंशाल्लाह बाद में आ जाएगा। अच्छा मर्चेंट बोल रहा हूँ ठीक हाजा कलबुन दिस इज अ डॉग हाजा कलबुन इज दिस अ डॉग ला हाजा खितुन नो दिस इज अ कैट हाजा हिमारुन दिस इज अ डोंकी हाजा हिमारुन इज दिस अ डोंकी ला हाजा हिसानुन नो दिस इज अ हॉर्स वमा हाजा और एंड व्हाट इज दिस हाजा जमलुन
दिस इज अ कैमल. मा हाजा वॉट इज दिस हाजा दी कुन दिस इज अ रोस्टर. मन हाजा हु इज दिस हाजा मुदर्रिसुन दिस इज अ टीचर. करेक्ट है सर. करेक्ट. हाजा खमीसुन इज दिस शर्ट. ला हाजा मिंदिलुन नो दिस इज अ कर्चीफ. तमरीन एक्सरसाइज इखरा वक्तो पढ़ो और लिखो. रीड एंड राइट. मा हाजा हाजा खलमुन वॉट इज दिस दिस इज अ पेन. हाजा कलबुन दिस इज अ डॉग. मन हाजा हु इज दिस हाजा तबीबुन दिस इज अ डॉक्टर. हाजा जमलुन जमलुन कैमल. कैमल कैमल जमलुन कैमल दिस इज अ कैमल. हाजा कलबुन इज दिस अ डॉग. ला हाजा खितुन नो दिस इज अ कैट. हाजा दीखुन इज दिस अ रोस्टर. नाम यस. हाजा हिसानुन इज दिस अ हॉर्स है सर. करेक्ट. ला हाजा हिमारुन नो दिस इज अ डोंकी. हाजा मिंदिलुन इज दिस अ कर्चिफ. करेक्ट है सर. हाजा मिंदिरुन दिस इज सर अच्छा दिस इज अ हैंड कर्चिफ. हाजा वलदुन इज दिस अ बॉय. बॉय. नाम यस. मन हाजा हु इज दिस हाजा रजुलुन दिस इज अ मैन. अदरसु सानी लेसन नंबर टू. सर थोड़ा ऊपर चले गया सर. ये पढ़ूं क्या जी? पढ़ें. जो जो अरबी में था ना सर वो नहीं दिख रहा है सर. या वो ग्रामर पढ़नी है ना पहले. अच्छा अच्छा. इन दिस लेसन वी लर्न द यूज ऑफ जालिका मीनिंग दैट एंड वाव मीनिंग एंड. एग्जांपल हाजा बैतुन व जालिका मस्जिदन. दिस इज अ हाउस एंड दैट इज अ मॉस्क. नोट जालिका इज प्रोनाउंस्ड जालिका बट इट इज रिटन विदाउट द अलिफ. क्यों सर ऐसा? जी ऐसा क्यों करते हैं? इसका कोई रोल नहीं होता. ये जो होती है ना स्पोकन अरबिक, इसमें अल अरब जो है वो सर करते हैं. इसको हम पढ़ते जालिका है और लिखते बगैर अलिफ के. अच्छा. द वर्ड वाव इज रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग वर्ड. वोकैबुलरी शुगर सुकरुन इमामुन इमाम मिल्क लबनुन स्टोन हजरुन. In this lesson, we learn the use of Arabic. Darsusani. Ji. Darsusani. Ma Zalika. What is that? Zalika Najmun. That is a star. Haza Masjidun. This is a mosque. Wazalika Baitun. That is a house. Haza Hisanun. Wazalika Himarun. This is a horse. And that is a donkey. Azalika Kalbun. La Zalika Khittun. Is that a dog? No, that is a cat. Ma zalika, what is that? Zalika sarirun, that is a bed. Man haza wa man zalika. Who is this and who is that? Haza mudarrisun wa zalika imamun. This is a teacher and that is imam. Ma zalika, what is that? Zalika hajarun, that is a stone. Haza sukkarun wa zalika labanun. This is sugar and that is milk. Tamreen exercise. Ikhra waktu. Haza sukkarun wa zalika labanun. This is sugar and that is milk. Man zalika. Who is that? Zalika imamun. That is imam. Azalika khittun. Is that a cat? La zalika kalbun. No, that is a dog. Ma haza. What is this? Haza Hajarun. That is stone, sir. Hajar. Correct. Stone. Yeah. Al Kalamatul Jadidatu. New words, sir. Kalamatul Jadida. Al Kalimatul Jadida. New words. New words. New words. Correct. Imamun. Imam. Hajarun. Stone. Sukkarun. Sugar. Labanun. Milk. यहाँ पर रुकते हैं. वैसे भी पहली क्लास है तो इसको छोटा ही रुकते हैं. नेक्स्ट टाइम सारे शुरू करेंगे. जी सर. जब आपने बुकिंग करवाई
जी सर। और कोशिश करना कि आप उस